आज की इस वीडियो में जो हम बनाने वाले हैं ना वो है रोटेटरी टूल। क्या बोला तूने? रोटेटरी टेबल नहीं, ये भगवान क्या जुलूम है। रोटेटरी गैजेट, आई थिंक ये नाम जो है इसके लिए परफेक्ट रहेगा। सो बेसिकली मुझे भी इसका नाम एक्चुअली में पता नहीं है कि ये क्या है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, लेकिन क्या काम करता है ये मुझे पता है, इसका नाम नहीं पता। अगर आपको पता होता है नीचे कमेंट कर जरूर कर देना। एंड फ्रेंड बात करिए कि इसको मैंने कैसे बनाया है, क्यों बनाया है और किस लिए बनाया है, तो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यह एक 4 इंच की PVC पाइप है और फिलहाल मैं इसको जो है कुछ यहाँ से इतने साइज में कट करूँगा, लगभग यूँ समझ लो कि 1.5 इंच के साइज में, और यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगा। तो ये मैं यहाँ पर एक पुराना प्लक यूज कर रहा हूँ, एंड उसके बाद जो क्या करना है आपको मार्कर लेना है, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, ठीक है। और रखने के बाद यहाँ पर मैं इस पाइप के पास ले जाऊँगा और इस पाइप को जस्ट रोटेट करते रहना है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है और उसके बाद चलो इसको कट करते हैं। तो कट करने के लिए मैं यहाँ पर हेक्सा ब्लेड का उपयोग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड अभी मैंने जो इस पाइप को जो है हेक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लिया है, तो अब क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग देना है, क्योंकि देख सकते हो इसके एजेस अभी भी जो है क्लियर नहीं है, कट करने के बाद भी बहुत सारा प्लास्टिक का पार्ट रह जाता है। तो इसको फिनिशिंग देने के लिए फिलहाल मैं यहाँ पर एक सैंडिंग पेपर का उपयोग कर रहा हूँ और इसके ऊपर ही मैं इसको घस कर अच्छी तरीके से एक लेवल में कर दूँगा। इस पाइप को जो है मैंने पूरा सैंडिंग करके अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे दिया है, जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो। अब मुझे इस पाइप का जो है सेंटर फाइंड आउट करना है। इस बुक पर जो है कुछ इस तरीके से इसको रखने के बाद इसका सर्कमफेरेंस का पूरा इस तरीके से मार्किंग कर लूँगा। मार्किंग करने के बाद आपको कहीं पर भी इसमें 3 लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचने के बाद जो है अब हमको एक इस तरह का गोला प्रकार चाहिए, और गोला प्रकार को जो है कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर सर्कल को जहाँ पर ये लाइन टच कर रही है ना वहाँ पर रखना है, और उसके बाद आधे से अधिक की दूरी यहाँ से जो यहाँ तक की है ना डिस्टेंस, उसमें से आधे से अधिक की दूरी को लेना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से मार्किंग करते जाना है। तो हमारी तीनों यहाँ पर मार्किंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इन जहाँ पे भी ये क्रॉस हो रहा है ना इन सभी को जो है आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए फिर से मैं स्केल का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो जहाँ पे तीनों लाइनें क्रॉस हो रही है ना यही हमारा सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का। सो फ्रेंड इस पेज को मैंने फाड़ के निकाल लिया है और इसको जो है बेसिकली आपको फेंकना नहीं है, इसको साइड में रखना है और इसका उपयोग हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक PVC पाइप का टुकड़ा ले लिया है और इस पीस को जो है कुछ इस तरीके से इस सर्कल के सेंटर में लगाना है, जिससे कि इसको 2 पार्ट में ये डिवाइड करे। तो उसको जो है मैं कुछ इस तरीके से रखने के बाद और यहाँ पर जो है मैं इस मार्कर की मदद से इस पर कुछ इस तरीके से मार्किंग कर दूंगा और उसके बाद इस पार्ट को जो है कट कर दूंगा जो एक्स्ट्रा पार्ट है, क्योंकि इस पीस को जो है मुझे सर्कल के अंदर लगाना है, सर्कल के बाहर नहीं। अब इसको मैंने दोनों साइड से कुछ इस तरीके का राउंड शेप दे दिया है जैसा मैंने मार्किंग किया था, और उसके बाद अब जो है इसके अंदर ये परफेक्टली फिट हो रहा है। तो फ्रेंड ये एक सर्वो मोटर है और इसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है 360 डिग्री रोटेट करने के लिए, और इसका एक मैंने स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो आप ज़रूर से चेकआउट करना कि मैंने उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है, क्योंकि यह सर्वो मोटर में नॉर्मली 3 वायर देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही वायर देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड इस प्लास्टिक की पीस को इस पर चिपकाने से पहले आपको बता दूँ कि आपको जो है इस तरह का अटैचमेंट लेना पड़ेगा जो कि सर्वो मोटर के साथ में ही मिलता है। यहाँ पर और भी अटैचमेंट्स मिलते हैं लेकिन हमको इसी की ज़रूरत है, जिसमें यहाँ पर 4 इस तरीके से निकले हुए पार्ट है। तो अभी जो है इसको कुछ इस तरीके से इसके साथ में रखना है, और रखने के बाद जो है कुछ यहाँ पर इस पे अंदर रख कर इस पे जो है कुछ इस तरीके से चिपकाना है इसके अंदर वाले प्लास्टिक को, ताकि ये जो है ना जो वाइट वाला जो प्लास्टिक है ये जो है बिल्कुल भी इससे बाहर ना दिखे, एकदम हल्का सा रहे, सिर्फ 1 से 2 mm ही, उससे ज़्यादा ना रहे, ठीक है। तो अब आप देखो कि मैंने इसको किस तरीके से चिपकाया है कि बिल्कुल भी मतलब इसके ऊपर ये सटेगा नहीं, और एकदम मतलब अच्छी तरीके से ये जो है मैंने इसको चिपकाया हुआ है। तो थोड़ा सा और इसको मजबूती देने के लिए ना मैं यहाँ पर छोटे छोटे जो है प्लास्टिक के पीसेस लगा दूंगा कुछ इस तरह के। तो अब हमने जो है सर्कल का सेंटर फाइंड आउट किया था ना वो जो है कुछ इसके ऊपर रखना है,
और रखने के बाद में है आपको जो है इसका सेंटर कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आपको इसको लाइट में लेके जाना है बेसिकली, और फिर जो है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपको पता चल जाएगा कहाँ पर इसका सेंटर आएगा। और सेंटर पे रखने के बाद जो है यहाँ पर कर लेना है मार्किंग। मार्किंग होने के बाद में जो है अब इस सर्वो मोटर को जो है यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर मैं कुछ होल करूँगा और होल करने के बाद जो है इस सर्वो मोटर को जो है यहाँ पर लगा दूँगा। यहाँ पर मैंने होल कर दिया है इस सर्वो मोटर को लगाने के लिए। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये लगने वाला है, लेकिन देखोगे ना तो ये अभी भी यार बाहर आ रहा है इतना। मुझे सिर्फ इसका वाइट वाला पोर्शन बाहर चाहिए इस प्लास्टिक से ऊपर, बाकी ये जो है कुछ इस तरीके से लेवल में चाहिए मुझे अंदर की साइड में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि कुछ यहाँ पर जो है चार प्लास्टिक के पीसेस ले रहा हूँ, तीन ले रहा हूँ मैं बेसिकली, और इन तीनों पीसेस को जो है कुछ इस तरीके से इसके ऊपर चिपका दूँगा। इस तरीके से तीनों पीसेस को चिपकाने के बाद में जो है अब मैं इसको यहाँ पर लगाकर इसको फेविक्विक की मदद से परमानेंटली फिक्स कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर एक 18650 मॉडल की बैटरी ले रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर ले रहा हूँ, TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल विथ टाइप सी पोर्ट। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने सभी कंपोनेंट्स को लगा दिया है, बैटरी को लगा दिया है, पोटेंशियोमीटर को लगा दिया है, उसके साथ में चार्जिंग मॉड्यूल को भी लगा दिया है। चार्जिंग मॉड्यूल को थोड़ा सा सपोर्ट देने की मैंने एक प्लास्टिक का पीस लगाया है, और ये बेसिकली टेढ़ा लगाया ही नहीं मैंने, टेढ़ा ही लग गया। मैंने फेविक्विक डाला था तुरंत ही चिपक गया ये। तो फिलहाल अभी ये जो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से चिपक चुका है। बाकी सभी कंपोनेंट्स की मैंने वायरिंग भी यहाँ पर कर दी है। तो वायरिंग मैंने कैसे किया है आपको स्क्रीन पर एक सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देखो, यहाँ से हम इसको टाइप सी से चार्जिंग देंगे, और यहाँ पर मैंने एक और होल किया है जहाँ से हमको इसमें एक LED जलती है चार्जिंग मॉड्यूल में। तो यहाँ से हमको LED को दिख जाएगा कि इसकी बैटरी फुल हुई कि नहीं। और बाकी ये जो पोटेंशियोमीटर है जिसकी मदद से जो है हम इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर छोटा सा टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर जो है एक एक्रेलिक का सीट ले लिया है जो कि यार लगभग 3 mm का है, और उसके बाद जो है कुछ इस तरीके से मैं इसको रख कर इस पर मार्किंग कर लूँगा, और इस सर्कल के हिसाब से जो है मुझे इसका एक गोला सा कट करना है। तो चलो इसको मैं कट कर लेता हूँ। इसको कट करने के लिए आप अलग अलग टूल का उपयोग कर सकते हो, मशीन का उपयोग भी कर सकते हो, बट मेरे पास मशीन तो है नहीं अभी, तो मैं फ़िलहाल अपने हाथ से ही काम लेने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस हेक्सा ब्लेड का उपयोग करूँगा, और इसको जो थोड़ा सा और अच्छे से सैंडिंग भी करूँगा, क्योंकि हेक्सा ब्लेड से कट करने के बाद ना थोड़े थोड़े से प्लास्टिक के पीसेस बच जाते हैं। सो फ्रेंड मैंने इस पीस को फाइनली कट कर दिया है, और अच्छी तरीके से इसको सर्कल में शेप दे दिया है, ठीक है। सो अभी चलो इसको इसके ऊपर चिपकाते हैं। तो चिपकाने के लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसके ऊपर कुछ मैं बूंदे डाल देता हूँ फेविक्विक की, ध्यान से डालना ताकि मोटर में ना जाए। और इस पर लगाने के बाद मैं जो है अब इसके बीच में थोड़ा सा स्क्रैचेस कर दिया हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सा खुरदुरा हो जाए और उसके ऊपर अच्छे से चिपके। तो मैं इसको अच्छे से चारों साइड से पहले उंगली से जो है आप थोड़ा सा फील करके इसको अच्छी तरीके से मिला सकते हो, एंड मिलाने के बाद जो है इसके ऊपर जस्ट मुझे रख देना है। फाइनली हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड अभी जो है इसमें मुझे एक कमी लग रही है कि यार इसको पेंट करने की ज़रूरत है। तो चलो मैं इसको सबसे पहले पेंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड हमारा प्रोडक्ट पूरा रेडी हो चुका है, मैंने इसको पेंट भी कर दिया है, और यार देखने में अब काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो चलो मैं आपको डायरेक्टली जो है इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। सो
फ्रेंड मैंने इस गैजेट को इसलिए बनाया है क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी भी बनाता भी हूँ, तो आपको जो इसके ऊपर रख के इसका डिस्प्ले दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा शॉट आता है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। इवन आप इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हो तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग जाता है। एंड मेरे मतलब मेरी तरह जो भी क्रिएटर्स हैं ना वो जो है इस चीज़ को डेफिनेटली बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने जो चीज़ें हैं जो आपने बनाई है वो जो लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ है। और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, मैंने चेक किया हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद रहेगी। मैंने इस गैजेट को क्यों बनाया वो जो है आपको यहाँ पर समझा के बता दिया, मैंने इसको कैसे बनाया वो भी आपको इस वीडियो में बता दिया। सो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझा होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक और बात इंपॉर्टेंट बात, मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल भी जिसका नाम है रोस्टेड बाइक, तो प्लीज़ उस चैनल पर विजिट करो, वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो प्लीज़ यार जल्दी से उस चैनल पर भी जाओ और वहाँ पर भी जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वाली वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। सो बस फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।